प्लेयर्स उन्होंने भी एड्रेस किया है और हमने माइक्रो मैनेजमेंट को डिटेल बताया। पेमेंट को कंटिन्यू करें और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आवर रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर फॉर ट्रेनिंग ओनली वेलकम आवर जनरल ऑब्जर्वर सर संजीव कुमार gentlemen from the district administration from district election cell and ko aaj hum extend karne ja rahe usi ko aage badhane ja rahe aur ye main batata chalu ke first session possibilities aur kya kya in logo ki actual day of home ke upar responsibilities diya hai ke jab home voting ke liye teams jayengi to micro pro perform karenge unke sath main pat par bhej un cheezon ke वो रिपोर्टेबल हैं, आपने रिपोर्ट करनी है सारे के सारे पोल प्रोसेस को हमारे जनरल ऑब्जर्वर सर को, और आपका डॉक्यूमेंट इतना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है कि उसी के ऊपर लेटर आन अगर कहीं पर किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कभी किसी भी पोल वगैरह की, तो जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें एक डॉक्यूमेंट आपका भी होगा जिनको हमारे जनरल ऑब्जर्वर सर कंसिडर करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो मैं आपको वापस वहाँ पर लेके आता हूँ क्योंकि आपका जॉब नेचर ऑफ जॉब वैसा है कि आपने पूरे की पूरी इलेक्शन सिस्टम को इलेक्शन मशीनरी को जो पोलिंग बूथ के अंदर उस दिन इन्वॉल्व होगी उसके ऊपर नजर भी रखनी है, रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी है, और आपके पास वो उस दिन पावर्स होंगी कि आपने पोलिंग पार्टी में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, पोलिंग ऑफिसर हैं, सेक्टोरियल मजिस्ट्रेट हैं या इवन जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, क्या उन्होंने अपना रोल पूरे तरीके से अपना जॉब पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है या नहीं निभाया, आपकी रिपोर्ट उस चीज को रिफ्लेक्ट करेगी। इंक्वायरी शुरू होगी, आप लोगों ने ऑन द डे ऑफ पोल हमारे यहाँ जो सेवंथ वहां पे पहुंच जाएंगे पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और वहां जो सबसे पहली रिपोर्ट आपको तैयार करनी है अपनी माइक्रो में अपना नाम वगैरह लिखने के बाद, डिजिग्नेशन लिखने के बाद वो शुरू होता है मॉक पोल। तो हमारी प्रोसेस होगी पोलिंग पोल के वक्त, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ये ड्यूटीज है कि मॉक पोल करवाना है, और मॉक पोल के लिए जो शर्त है जिसको आपने भी ओवरसी करना है वो ये है कि मॉक पोल करवाते हुए पोलिंग पार्टी के जो एजेंट्स है वो आपको क्या बता सकते हो आप इसे कितने लोग पहले भी माइक्रो ऑब्जर्वर का काम कर चुके हैं 2019 में या 2014 में? दो या तीन, हाउएवर मेजॉरिटी आर न्यू, एंड ऐसा नहीं है कि इट्स समथिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड और रिक्वायरिंग टू लर्न द फुल यू नो ईच एंड एवरी टूल इन द लिस्ट फॉर पोलिंग पार्टी आल्सो फॉर द एमपीएस। After that, micro observers are basically the eyes and ears for our worthy general observer. आप सब पर पोलिंग लोकेशन डेजिग्नेटेड है, सो वी हैव फोर पोलिंग स्टेशन इन 469 लोकेशन, देयर फाइव लोकेशन व्हिच आर टू पोलिंग स्टेशन इन डिफरेंट टू एंड ऑल ऑफ यू विल आर बी डिप्लॉयड ऑन अ लोकेशन बेसिस, सो ईच विल बी इन चार्ज ऑफ वन एंड वन स्पेसिफिक बिल्डिंग नंबर। And it's not as if the microservice rules are only limited to the building or of the polling station. You are also responsible for overseeing, observing the movement of the EVM when it is brought to the polling station and after that as well. Most importantly, aapka role rahega ki koi bhi violation on the part of either polling party or any polling agent of the political party as well goes under. वो आपको फॉलो देर आर पीपल लाइक द जनरल जोनल मैजिस्ट्रेट एंड सेक्टोरल मैजिस्ट्रेट्स एज वेल हुम विल बी आल्सो यू नो लुकिंग वो आप ही के स्टेशन पे। आज हमारे जनरल इलेक्शंस 2024 के लिए जितने भी माइक्रो ऑब्जर्वर्स बेसिकली जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड एक्सेप्शंस गैदर्ड हैं उनकी सबकी ट्रेनिंग रखी गई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ आर वर्दी जनरल ऑब्जर्वर श्री संजीव बश्रा सर हु इज़ फ्रॉम झारखंड कादर। एंड ये सर जनरल ऑब्जर्वर ने खुद डायरेक्टली माइक्रो ऑब्जर्वर्स को एक्सपेक्टेशंस के बारे में ब्रीफ किया एंड व्हाट दे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर, एंड वी आर श्योर दैट विल be able to have a successful smooth cadre of general observers and micro observers this time. Thank you.